नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। बारिश का पानी संग्रह करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की बड़ी पहल। सूरत में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, वन पेट्रोलियम मंत्री मुकेश पटेल और महापौर सांसद रहे मौजूद। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आज सूरत पुलिस हेडक्वार्टर में एक जल संशय का, जो आपको बताएंगे सूरत शहर पुलिस मुख्य जो मथक है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो भूमि पूजन है, आज भारत के जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री सीआर पाटिल, इसके अलावा राज्य गृह मंत्री हर्ष सांघवी एंड सूरत के एमपी और सूरत पुलिस कमिश्नर तथा तमाम पुलिस कर्मी यहां पर मौजूद थे। यहां पर पूजा और विधिवत तौर पर जो है किया गया और आज भूमि पूजन जो है संपन्न किया गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सूरत शहर पुलिस की जो है मुख्य मथक का है, जहां पर आज भूमि पूजन किया गया है। कई वर्षों से लगातार जो है बारिश का जो पानी है वो जो है ड्रेनेज में डायरेक्टली जाता है और ऐसे में पानी को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पानी अगर वेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मनुष्य के लिए पानी एक वरदान की तरह होता है। इसलिए पानी को बचाना जो है बेहद जरूरी था। इसलिए भारत सरकार जल मंत्रालय द्वारा एक नई जो है पहल जो की गई है कि सूरत से ये शुरुआत है, सूरत नहीं पूरे गुजरात में पुलिस मथक में पहली बार जो है ये जल संशय का जो कार्यक्रम है वो किया गया है। और इसी बोरिंग को, यानी कि ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है, ग्राउंड वाटर जो बारिश का जो पानी होता है उसको जो कुआं बनाकर उसमें स्टोर किया जाएगा और उस स्टोर पानी को जो है जब किसी अन्य जब कोई कंस्ट्रक्शन हो या फिर किसी अन्य जगह पर उपयोग करने के लिए उस पानी का जो है उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो मशीन है, ये मशीन से आज जो है ग्रिल करते हुए आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया। सौभाग्य तौर पर जो है कुल जल शक्ति मंत्रालय से मंत्री सी आर पाटिल, राज्य गृह मंत्री हर्ष सांघवी, पुलिस कमिश्नर तथा अन्य जो मेहमान थे वो यहाँ पर मौजूद थे। पूरी तरह सो जो है विधि विधान से यहाँ पर संपन्न किया गया है। आने वाले समय में गुजरात के हर वो जिले में पुलिस जो मथक है, पुलिस हेडक्वार्टर हो या फिर रेसिडेंटल हो, उन तमाम जगहों पर विधिवत तौर पर जो है इसी जल संशय का जो है कार्यक्रम किया जाएगा और हर जगहों पर पानी कैसे बचत किया जाए उस पर जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो निगाह है, जो दिशा है, उस दिशा और निर्देश पर काम करेगी। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। जल शक्ति अभी जो जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार की तरफ से ये कल भी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम सूरत में रखा गया, उसके अनुसंधान में आज जो है पुलिस मुख्य मथक पे एक वाटर रेन वाटर से अपने ग्राउंड को जो रिचार्ज करने के लिए एक जो बोरिंग की कार्रवाई अभी आज की गई है जो है, तो उसके लिए सर्वप्रथम तो हम सभी लोग खुशी की बात है कि बहुत सारा पानी, बारिश का पानी जो कि वेस्ट हो जाता है, कभी नदियों के मार्ग से समुद्र में चला जाता या इधर उधर वाटर लॉगिंग में चला जाता है, तो उन सारे पानी को ज़मीन में उतारा जाए, जो हमारा जो ग्राउंड में अंदर जितने भी एक्वीफर जितने उसको बोलते हैं, जहाँ पे पानी रहता है धरती के पैटाण में जिसको अपना हम बोलते हैं, तो ये सारे पानी को इन बोर के थ्रू अपना ग्राउंड में हम डालते रहें, जिससे आने वाले समय में हमारा जो जितना पानी हम लेते हैं ग्राउंड से उतना पानी वहाँ पे वापस रिचार्ज करते रहें। इस आशय से जो ये यहाँ पे अभी बोर बनाया जा रहा है, इसी तरह का बोर हमारे सूरत शहर के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, हमारी जितने भी पुलिस लाइन्स हैं, हमारे जितने पुलिस ऑफिसेज हैं, ये हर जगह बनाया जाएगा और उसके साथ साथ यही पूरा जो सिस्टम है पूरे राज्य में भी जो लागू हो रहा है, राज्य में भी हमारे पुलिस मुख्यमंत्री रहेगा, हमारे माननीय डीजी साहब की तरफ से भी ये सभी को सूचनाएं दी जा रही है, जिससे कि जितना भी हमारे बारिश का पानी जो छतों पर आता है या नीचे भी जो डायरेक्ट आता है, उन सारे पानी को ला कर हम ऐसे बोरों में कनेक्ट कर दें जिसके अंदर पूरा हमारा धरती के अंदर जो पानी एक्वीफर है वो वहाँ पर चार्ज करें, उसी हिसाब से आज का ये कार्यक्रम किया गया है।